सो हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश मंत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्रकाश मंत व्लॉग्स में। और आज इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूं फिर से एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जिसे कि मैंने Flipkart से ऑर्डर किया था और ये मुझे विद इन 5 days रिसीव हो गया। तो इसको ओपन करने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये मुझे कितने का पड़ा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है नोवा NHT1074 USB ट्रिमर और ये मुझे पड़ा था 338 रुपीज़ का। बस 5 रुपये का हैंडलिंग चार्जेस लगा था, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है 338 रुपीज़ हो गया। देख सकते हैं अभी इसका प्राइस क्या है, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसका प्राइस है 417 रुपीज़ का। तो चलिए अब हम जल्दी से इसे ओपन करते हैं। देख सकते हैं बॉक्स में से निकले हैं ये और कुछ भी नहीं है बॉक्स में। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया ब्रांडेड की लग रही है इसकी पैकेजिंग। तो ये देख सकते हैं नोवा NHT1074 और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में देख सकते हैं। और इस साइड पे देख सकते हैं कि MRP देख सकते हैं 949 रुपीज़ की लिखी हुई है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नोवा का यहाँ पर स्टिकर भी लगा हुआ है, जिससे कंफर्म पता चलता है कि ये ओपन नहीं हुआ है। तो हम जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर के स्टिकर को हमने हटा दिया जो कि नोवा का ही था। तो इसे ओपन करने के बाद बॉक्स में कुछ नहीं है, बस एक ये मैनुअल गाइड था इस बॉक्स में। यहाँ पर दिया गया है इसका ये छोटा सा लिक्विड। जो कि शायद खुल गया था, मेरे हाथ में भी इसका जो ऑयल वगैरह है वो लग रहा है, देख सकते हैं। और ये क्लोज टू एम्प्टी है, बस थोड़ा सा ही इसमें बचा है। मुझे लगता है कि ये खुला हुआ था और इसमें मिलता था आपको एक USB केबल। ये USB केबल है देख सकते हैं। और यहाँ पर 3 आपको क्लिप्स मिल जाते हैं, 9mm का और ये 6mm का और ये है 3mm का। तो 3, 6 और 9mm के आपको इसमें ये क्लिप जो है मिल जाते हैं। उनसे आप अपने हेयर के साइजेस वगैरह देख सकते हैं कि आपको क्या रखना है। और अब निकालते हैं इसके मेन चीज़ को जो है इसका ट्रिमर। तो ट्रिमर पर देख सकते हैं भैया कितना अच्छा पॉलीथीन में पैक करके दिया गया है और यहाँ पर ये पैक भी है। देखते हैं ये अभी चालू है या नहीं है और देखने में कुछ ऐसा दिखता है। वेट काफ़ी अच्छा है इसका और ऑन करने के बाद ये कुछ आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा इसका। तो काफ़ी अच्छा है इसका स्पीड। यहाँ पर भी एक नोवा का स्टिकर देखने मिलेगा आपको और यहाँ पर शायद इसके चार्जिंग की लाइट है। तो चलिए एक बार हम इसे चार्ज करके भी देख लेते हैं। 30 मिनट्स चलेगा बोलता है कंपनी इसे और बाकी डिज़ाइन इसकी काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ और हमें मिला है, वो है ये ब्रश जो इस बॉक्स में ही रह गया था अंदर, मैंने अभी देखा। और इसे चार्ज करने के लिए आपको ये नीचे साइड देख सकते हैं USB के लिए दिया हुआ है, आप यहीं पर इंसर्ट करेंगे USB। तो ये जो है अभी रेड कलर का जल रहा है और हमने पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया है। और एक बार मैं आपको इसके 3mm के क्लिप को लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं 3mm के क्लिप को मैंने इसमें लगा दिया है और इसे लगाना और निकालना भी बहुत ही इजी है। तो 3mm का क्लिप लगने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। और ये रहा 3mm से भी बड़ा 6mm और अब ये रहा 6mm से भी बड़ा 9mm।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ वगैरह लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इंक्वायरी होगी तो बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सर्च करें प्रकाश महंत। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रकाश महंत व्लॉग्स। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।